ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर है डाइक्रोमेट आयन, समझ गया? यहाँ तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, इसका मतलब समझते हो, सॉलिड बेस है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका भी टेट्राहेड्रल, इसका भी टेट्राहेड्रल, ये क्या है? ये लाइन का मतलब क्या होता है? इन द प्लेन। सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? इन द प्लेन। इसका मतलब क्या होता है? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ट्राइडल का स्ट्रक्चर ही होता है, दो को सामने की तरफ आते हैं, एक बॉन्ड पाँव के तरफ जाता है, एक बॉन्ड सर के तरफ जाता है, और दो को रहता है प्लेन में, दो को ऐसे प्लेन में रहता है, उसके बाद एक बॉन्ड सर के तरफ आता है और चौथा बॉन्ड पाँव के तरफ जाता है। दो को हमारे तरफ आ रहा है, एक हमारे पाँव के तरफ जा रहा है, बोलते हैं कि हमसे दूर जा रहा है, एक हमारे सर के तरफ आ रहा है, बोलते हैं हमारे तरफ आ रहा है, और दो को जो है प्लेन में रहता है। तो ये दोनों प्लेन वाला है, इसमें से एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। ये दोनों प्लेन में और ये अबव और एक बिलो द प्लेन है ना? आया बात समझ में? इधर भी वही है, तो दो टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ गया है, ये है कॉमन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन इधर, दो दो चार हो गए, पाँच छः सात हो गए, दो क्रोमियम सात है, ऑक्सीजन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल सेंटर है, ये भी टेट्राहेड्रल सेंटर है, एक टेट्राहेड्रल सेंटर इधर है, एक टेट्राहेड्रल सेंटर इधर है, दो टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ गया इस कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू, और ये जो कॉमन एंगल 126 डिग्री एंगल पर दो टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ गया, और जो सिंगल ये जो प्लेन में बॉन्ड है उसका 179 पिकोमीटर लेंथ, और जो अबव एंड बिलो द प्लेन है उसका 160 पिकोमीटर लेंथ। अबव एंड बिलो वाला जो है, अबव एंड बिलो वाला जो है 160 पिकोमीटर लेंथ है, और इन द प्लेन जो है इसका बॉन्ड लेंथ है 179 पिकोमीटर, दो टेट्राहेड्रल आपस में ज्वाइन कर रहा है 126 डिग्री एंगल्स, बाकी इधर तो टेट्राहेड्रल वाला एंगल है, इधर टेट्राहेड्रल एंगल मालूम है कितना होता है, तो वो एंगल, ये एंगल, ये एंगल तुमको मालूम है कितना होता है, ये एंगल सिर्फ 126 बता दिया, और इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सब सारे को दो नेगेटिव चार्ज दे दिए, ठीक है, और इसी दो को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें इसको डबल बॉन्ड देंगे, इसको भी डबल बॉन्ड देंगे, तो भी इसको भी डबल बॉन्ड, इस दोनों पर एक एक नेगेटिव चार्ज। तो ये दो तरीका है हम डाइक्रोमेट आयन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में आया ना? ये हो गया हम स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड एंगल वही है 126, वो सब वही सब चीज, समझ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? अब देखो 160 पिकोमीटर है और ये बॉन्ड 179 है, ये 179 है और ये 160 है, ये 160 है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो शॉर्टर बॉन्ड होगा, इसीलिए ये सब 160 है, ये सब 160 पिकोमीटर है, और ये वाला प्लेन में जो है सिंगल बॉन्ड है इसलिए बड़ा है 179 पिकोमीटर, समझ गया ना? ये डबल बॉन्ड होने के कारण शॉर्टर हो गए, ठीक है, आया हुआ समझ में? ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, ठीक है।